हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की ज्ञानशाला में। आज हम बात करेंगे मुद्रा यानी मनी के बारे में। कोई समय था कि कई स्थानों पर बड़ी बड़ी विचित्र वस्तुएं मुद्रा के रूप में प्रयुक्त होती थी, जैसे खुदे हुए कंकड़, तंबाकू, चाय, शाही के कांटे, खाले, नारियल, पशु, घोड़े, ईंट, कपड़ा, हाथी के दांत, पत्थर के बने तीरों के अग्रभाग, अनाज आदि। मुद्रा के प्राचीनतम प्रकारों में से एक या शायद सबसे पहली वस्तु बैल रही होगी। प्रारंभिक काल की मुद्राओं में एक बात समान थी, ये वे वस्तुएं होती थी जिनकी किसी न किसी वजह से लोगों को आवश्यकता पड़ती थी। वे सब अच्छी टिकाऊ होती थी और उनकी पहचान भी सरल थी। सहस्त्रों वर्ष तक मुद्रा के रूप में धातुओं का प्रचलन रहा है। पहले पहल सोना, पीतल और कांस्य प्रयुक्त हुआ और बाद में चांदी, लोहा, शीशा और निकल भी प्रयुक्त होने लगे। धीरे धीरे सभ्य देशों में धातुओं ने मुद्रा के अन्य प्रकारों को पीछे छोड़ दिया। शुरू शुरू में धातु के सिक्के नहीं बनाए जाते थे, इसके बदले इसकी छोटी छोटी छड़ें होती थीं जिन्हें हर लेन देन में तोलना पड़ता था। मुद्राओं या सिक्कों के अनेक लाभ थे। तोलने के बजाय उनका गिनना सरल था। उनका निर्माता उन पर प्रकृति विशेष मुद्रित करके वचनबद्ध हो जाता था कि प्रमुख सिक्के में धातु की प्रमुख मात्रा है। बस सरकारों ने सिक्के चलाना शुरू कर दिए। अब कई सिक्के पर शासकों और देशभक्तों के चित्र होते हैं। जिस प्रथम महान व्यक्ति का चित्र सिक्कों पर अंकित हुआ वह था सिकंदर महान। शुरू शुरू में कई लोग सिक्कों के किनारों से थोड़ी थोड़ी धातु काट कर धोखा करते थे। अतः आजकल सिक्कों के किनारों पर धारियां बना दी जाती हैं ताकि उन्हें काटा चीरा ना जा सके। दुनिया में आज जिस मुद्रा का सबसे अधिक चलन है वह है कागजी मुद्रा। इसमें बड़ा आराम है, बस कागज का एक हल्का फुल्का सा नोट जेब में सरका दिया तो 100 रुपए संभल जाते हैं। मुद्रा के बिना अब हमारा काम किसी भी अवस्था में नहीं चल सकता। मुद्रा का एक बड़ा लाभ यह है कि इसके द्वारा हम प्रत्येक वस्तु का ठीक ठाक मूल्य निश्चित कर सकते हैं। मान लीजिए कोई किसान एक रेडियो खरीदना चाहता है, देने को उसके पास 2000 अंडे हैं, भला हिसाब कैसे बने? सीधी सीधी बात है, पहले अंडों की कीमत लगा लीजिए कि कितने रुपए दर्जन मिलते हैं, फिर रेडियो की कीमत तय कर लीजिए कि कितने रुपए का है। इस प्रकार यदि रुपयों का मापदंड ना हो तो ग्राहक के लिए यह जानना कठिन हो जाएगा कि कौन दुकानदार उसे महंगा रेडियो दे रहा है और कौन सस्ता। मुद्राएं दुकानदार और ग्राहक के बीच माध्यम का काम करती हैं। मुद्रा के रूप में बचत करना भी सुविधाजनक है। सरकार को दृढ़ बनने में भी मुद्रा का बड़ा हाथ है, क्योंकि मुद्रा के रूप में कर उगाहना बहुत सरल हो जाता है। मुद्रा मानव का अत्यंत महत्वपूर्ण आविष्कार है। तो ये थी बच्चों आज की ज्ञानशाला। ऐसे ही हमारे साथ बने रहें और सुनते रहें स्वदेशवाणी। धन्यवाद। स्वदेश वाणी।